Today, we are going to talk about human health and diseases. Health and disease, though they seem similar, but actually they are two different concepts. Whereas disease is related with only your physical and mental aspect, and moreover, the, if the function uh, of the body is not going on properly, then we say that the person has disease. But uh, on the other hand, health is, it incre uh, it, um, uh, includes all your physical, mental, social, emotional well being. सो लेटस डू दिस ऑल इन डिटेल। हेल्थ और डिजीज जो है बेसिकली ये दो डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टूगेदर इसमें डिजीज जो है वो अब हम अगर बात करें तो उसके अंदर आ, क्या होता है कि आ, कोई भी ऑर्गन या पार्ट ऑफ द बॉडी जो है दैट इज कैन बी अफेक्टेड एंड देन द बॉडी इज इडवर्सली इफेक्टेड करेक्टराइज बाई वेरियस साइंस एंड सिमटम्स तो इसमें एक या उस तो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है वेर इज जो हेल्थ है वो क्या होती है उसमें स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए तो उसमें कहते हैं आजकल साइकोलॉजी भी अटैच कर दी, साइकोलॉजिकल वेलबींग well भी ज़रूरी है और इसमें अगर किसी को डिजीज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थी है उसका सोशली फिट होना और बैलेंस्ड होना कनेक्टेड होना भी इम्पॉर्टेंट है तो तीन तरह के डिजीज मेनली होते हैं एक तो जैसे हो गया इन्फेक्शस डिजीज़ और दूसरा हो जाता है आपका जो जेनेटिक डिज़ीज होते हैं जो म्यूटेशन इन जीन्स की वजह से होते हैं और तीसरा जो होता है दैट इज लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे आप देख सकते हो डायबिटीज़ है आपको पता है कि आजकल हो रहा है ओबेसिटी है वो भी एक डिज़ीज़ की तरह लिया जा रहा है उससे रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशन uh, हो जाती हैं लेकिन इस प्रेजेंटेशन uh, के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड दैट इज बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन एंड फंगल तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस की और इसमें जो है कि टाइफॉइड फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की मैं बात करने वाली हूँ पैथोजन साल्मोनेला टाइफी या पैथोजन क्या होता है जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो पैथोलॉजी कॉज करता है पैथोलॉजी इज डिजीज तो उसको कॉज करने वाला एजेंट को हम पैथोजन बोलते हैं और इसका सालमोनेला टाइफी है और ये ट्रांसमिट कैसे होता है ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू फूड एंड वाटर तो आप इसके बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हो टाइफाइड टाइफाइड टाइफा, मैरी के नाम से एक न्यूज़ क्लिप है तो दिस लेडी दे कुक और एक रॉयल फैमिली के अंदर थी एंड शी वो सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड तो वो अपना जब खाना बनाती थी तो वो पास ऑन कर देती थी माइक्रोगनिज्म इन टू द फूड और उससे फिर जो है जो खाना खाने वाले वो इन्फेक्ट हो जाते थे तो अब देख सकते हो शीद कुकिंग कर्ल्स एंड द पैंस बेसिकली क्यों क्योंकि इसमें सिम्टम्स रहते हैं हाई फीवर वीकनेस स्टमक पेन कॉन्स्टिकेशन हेड एंड लॉस ऑफ हेपीडाइट लेकिन ज्यादा सीवियर कंडीशंस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है वन डेथ में आल्सो आकर और इसको पता करने का जो तरीका है दैट इज एक्चुअली विडाल टेस्ट तो ये एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन टेस्ट होता है इससे पता चल जाता है कि कोई टाइफाइड पॉजिटिव है या नहीं है नेक्स्ट डिजीज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इट इज निमोनिया

अब फ्रूट फिल्ड लंग एलियली हमने कहा है तो जो लंग्स के अंदर सेल्स हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं एयर सैक्स जो होते हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लेकिन निमोनिया के अंदर क्या होता है उनमें म्यूकस भर जाता है और वो हार्डन अप हो जाते हैं तो जो स्पेस है दैट गेट्स इनफ और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाते सीवियर केसेज में लिप्स एंड फिंगर नेल्स दे टर्न ग्रे टू क्लोश इन कलर तो ये इसके सिमटम